क्या आप जानते हैं मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने किस तरह बनाया और मस्जिद अक्सा की हिस्ट्री क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको मस्जिद अक्सा की तामीर के बारे में बताने वाले हैं। मस्जिद अक्सा इस्लाम के तीन मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके हमारे प्यारे नबी आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज अदा की और यूं लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि ये दीन इब्राहिमी की ही एक शक्ल है, जो हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने और असल तौरात और इंजील के पैगाम पर अमल पहरा है। मेराज का वाक्या इस बात की दलील थी कि मस्जिद अक्सा कितनी ख़ास है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाना कोई मामूली वाक्या नहीं था। गरज ये कि यरूशलम इस्लाम, ईसाइत और यहूदियत तीनों मजाहिब के नज़दीक मुकद्दस तरीन मकाम हैं। ये इलाका पैगंबरों की सरजमीन रहा है, जहां बेशुमार नबी भेजे गए। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सरजमीन के बारे में इरशाद फरमाया, और हमने उस कौम को कि जिसको कमज़ोर बनाया गया था उस सरजमीन की मशरिक व मगरिब का वारिस बनाया कि जिस सरजमीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वो ज़ात ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। दोस्तों, इन आयात में जिस बाबरकत ज़मीन का ज़िक्र है वो बैतुल मुकद्दस और उसके आसपास के इलाके हैं। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्ने हशाम ने अपनी तारीख में लिखा है कि जब बनी इसराइल फ़िलिस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की दोबारा बुनियाद रखी, और फिर उनके जानशीन और फरजंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। अहादीस और तारीखी रिवायतों से ये पता चलता है कि बैतुल मुकद्दस को कई मरहलों में बार बार तामीर किया गया, जिसकी तस्दीक कई पैगंबरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिनकी ताईद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रिवायतों में भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। इनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक थी और इंसानों के साथ साथ चरिंदों, परिंद, जानवर, हैवानात, जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की। जिन्नात आपके फरमा बरदार थे। अल्लाह पाक ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमत उमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते और बड़े बड़े काम सर अंजाम देते। लिहाजा मस्जिद अक्सा के तामीरी काम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगाया। इस मस्जिद की तामीर आपके बादशाह बनने के बाद से शुरू हो गई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। जहां पर इस मस्जिद की तामीर हो रही थी, वहां पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनवाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते। ये इबादत काफ़ी लंबी होती थी। आप कई कई दिन या एक महीने ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्द ही आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि इन जिन्नातों को आपकी वफ़ात का इल्म ना हो और वो इसी तरह अपने कामों में मशरूफ़ रहकर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दें। लिहाजा इसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मशरूफ़ थे तो आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन उस असा के सहारे आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वैसे ही खड़ा रहा और जिन्नात ये समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हैं। दरअसल पैगम्बरों के जिस्म मुबारक कभी सड़ते नहीं, ना ही ज़मीन की मिट्टी उन्हें खा सकती है। इस रूए ज़मीन पर जितने भी नबी भेजे गए, आज भी उनके जिस्म मुबारक कब्रों में सही सलामत मौजूद हैं और गैबी तौर से उन्हें रिज्क मिलता रहता है।
लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात के कई सालों बाद तक उसी जगह पर असा के सहारे खड़े रहे। आखिरकार जब उस लकड़ी के डंडे को दीमक खाने लगी और वो लाठी कमज़ोर हो गई तो आपका मुबारक जिस्म ज़मीन की तरफ झुकने लगा, और तब जिन्नातों को ये इल्म हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो वफात हो चुकी है। दोस्तों, इस वाक्य को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह सबा में कुछ यूं बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा तो जिन्नातों को उसकी मौत का इल्म ना हुआ, मगर ज़मीन की दीमक उनकी असा खाती रही, और जब सुलेमान ज़मीन पर आए तो जिन्नातों पर वो हकीकत खुल गई। अगर वो गैब जानते तो अजाब में ना होते। इस वाक्य से पहले लोग ये समझा करते थे कि जिन्नातों को गैब का इल्म होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के इस भरम को भी तोड़ा और इस तरह के वाक्यात हम सब की इबरत के लिए भी मौजूद रखे।